तो यहाँ पर दिखाइए, ये हमने वाई टू का एक बार जोरदार क्लैप बजाइए, एक और अच्छा Y2, पहले कौन सा एमएमसी लगा था सर? इसमें किसी टेक्नीशियन ने एमएमसी निकाल रखा था ऑलरेडी। या किसी आप लेके आए थे सर? बिल्कुल सर, हम लेके आए थे। तो बाद में इसमें क्या किया आपने, कौन सा एमएमसी लगाया? इसमें अभी सैमसंग का एमएमसी लगाया 64 GB का। इसमें हमने तो कोई मदद नहीं की ना सर, आपने कोई मदद नहीं की क्योंकि हम तो क्लास दे चुके हैं। बिल्कुल सर, आपने एक बार दिया था फिर अभी हमने किया सर। आपने किया है मतलब प्रॉपर तरीके से आप कर चुके हैं? बिल्कुल सर, पूरा प्रॉपर। यहाँ पर जो भी वीडियो बन रहे हैं आप सब देख रहे हैं, क्या ये कोई फेक तो नहीं है सर? 100% सर ओरिजिनल है। फेक क्यों होंगे, पैसे लेकर बैठे हो भाई? बिल्कुल सर, यही सीख रहे थे ना? यस सर। ठीक है, इसको ऑन करके पूरा जब हो जाए तो बताइए। यहाँ पर देखिए, ये हमारा पूरा सक्सेसफुल ऑन हो चुका है एमएमसी चेंज Y2। बिल्कुल सर। ठीक है, स्टूडेंट और आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जिलानी है। आप कहाँ से? कर्नाटक से हूँ सर। कर्नाटक से? यार तुम्हारे तो क्या क्या पास में है, तुम्हारा मुंबई पास पड़ता है? मुंबई पास पड़ता है ना, तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों आ गए? सर यूट्यूब में भी देखा था, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनते थे। हाँ। और भी कॉल भी किया था तो मैडम ने अच्छी जानकारी दी थी, तो इसलिए सोचा कि इधर ही चलते हैं। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं 10 दिन वाले कोर्स में चले जाऊँ, मैं जल्दी सीख लूँ, जल्दी पैसा कमाने का मौका मिलेगा? नहीं सर, जल्दबाजी में तो होता नहीं है ये काम। हाँ। आपने नहीं, आपकी भी दुकान होगी क्या? नहीं, दुकान में तो था एक 5-6 महीने समथिंग ऐसा काम किया आपने। अच्छा, एक की दुकान में काम किया आपने। हाँ। तो अब आप बताइए, अब आपका एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पर? एक्सपीरियंस तो अभी तो बहुत बढ़ गया। पहला क्या था, कोई भी कैपेसिटर रजिस्टर निकाल देते थे, मालूम नहीं था। हाँ। तो निकाल देते थे तो उसकी कुछ नहीं, चुप वैसा ही नॉर्मल काम कर लेते थे। बाद में इधर आ गया तो हर एक कंपोनेंट्स की नॉलेज बढ़ गई, रजिस्टर के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में हर एक। लेकिन सॉफ्टवेयर में भी नहीं कर लेते, लेकिन दुर्गेश सर ने सामने बिठा के हर एक ट्रिक सामने दिखाया, और फेरोज सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से हार्डवेयर जो डेड मोबाइल किस तरह चेक करना चाहिए स्टेप बाय सिखाया। ऐसा नहीं कि इधर ही काम करो उधर ही काम करो, ऐसा नहीं बताया। डेड मोबाइल जब बंद होता है किधर से हमको शुरू करना चाहिए, किधर तक चेक करना चाहिए, लास्ट में किसका सोल्यूशन क्या है, इतना सब दिखाया। फिर विलन सर ने तो EMC में तो UFI में तो प्रोग्रामिंग के बारे में पूरा डिटेल से दे दिया किस तरह करना चाहिए। ICU आपने खुद से किया प्रैक्टिकल? सर किया, और अभी ब्लैक पेशेंट ICU का आपने निकाल के किया, माइक्रो जंपिंग भी किया आपने? यस सर। तो बहुत अच्छा फील होता होगा ये करने के बाद? एकदम गुड फील होता है। अच्छा ये बताओ कि यही चीज 10-15 दिन में आप हम उनको करवा सकते हैं क्या, जादू से है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। 15 दिन में कि सोचो उसमें क्या होगा, मतलब जो करवाते होंगे वो क्या बताते होंगे, क्या आपको क्या लगता होगा कि क्या बताते होंगे? सर वो लोग ऐसा ही खुद से बता देते होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कराते लगता है। और प्रैक्टिकल भी कराते होंगे तो बहुत सारे सेक्शन से ऊपरी ऊपर से बताते हैं, ऊपर से बताने। तो क्या बोलना चाहोगे कि आपके वहाँ से कोई स्टूडेंट क्यों ज्वाइन करे? अगर कर्नाटक से कोई आना चाहता है तो इधर हर एक सेक्शन सिखाया जाता है, और ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाता है, और लाइव मोबाइल में चालू मोबाइल में प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, जो ऐसा कि अपना वोल्टेज किधर जा रहा है, कितना जा रहा है, ये सभी बताया जाता है, दिखाया जाता है। फिर हमारे खुद के मोबाइल इधर कितने मोबाइल रिपेयर भी हो चुके हैं, और चाहे तो ये फेसबुक में यूट्यूब में भी देख सकते हैं लाइव। बताइए अगर यहाँ पर किसी को स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहेंगे तो क्यों रिकमेंड करना चाहेंगे बताइए? यूट्यूब पे देख के कुछ नहीं होता है, एक्चुअली अलग रहता है सब कुछ। हाँ। किधर वोल्टेज कितना आता है, GR कितना आता है, कौन सा ऐसे क्या काम करता है, वो पूरा डीप में सिखाया जाता है यहाँ पर। हाँ यार। अच्छा ये बताओ, यही अगर हम 10-15 दिन में पड़ोस देते आपको और 15 दिन में भेज देते तो सीख पाते क्या? नहीं सर, हर नहीं। क्या क्या चीज सीखी आपने यहाँ पर? हार्डवेयर सीखा है। हाँ। सॉफ्टवेयर भी सीखा, फ्लैशिंग, बेसिक फ्लैशिंग, UMD, FRP सब निकालना। हाँ, सब निकालना। और फिर तीसरा आपने क्या सीखा? EMMC जो आपने लाइव मोबाइल में किया है। हाँ। प्रोग्रामिंग पेस्टेड ऐसे निकाल के उसको प्रोग्रामिंग कैसे करने का, MMC चेंज करने का। कितने घंटे से कितने घंटे की क्लास है यार? 12 घंटे के, 14 घंटे की भी कभी हो जाती है। तो कभी हेडेक सा होता है कि यार इतना घंटा दे रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ यही तो लेने आए हो ना। हाँ। घर हॉस्टल में बैठने तो नहीं आए ना यहाँ? नहीं सर। चलो ठीक है, थैंक यू, फिर से ले लेंगे। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? राकेश कुमार व्यास, जयपुर से। जयपुर से इतनी सुंदर सिटी, इतनी दूर से जबलपुर क्यों, क्या रीजन? सर मेरा दोस्त है, उनके दो दोस्त है जो यहाँ से सीख के गए हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में गफार मार्केट में काम करते हैं, और आज वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। अच्छा। एकदम अच्छा, अच्छे नॉलेज के साथ गए यहाँ से। अच्छा,
तो मतलब आप यूट्यूब भी देखे पर आपने एक रिकमेंडेशन मतलब आपने पूछा कि भाई जाए कि ना जाए ना जाए, तो उनका ये कहना था भाई बिना सोचे समझे जाओ। अच्छा जी सर, तो अब आपने जब यहाँ आए थे और अब आप में कितना अंतर है बताओ? सर मैं आया था उस दिन, मैं 5-6 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, लग रहा था कि मेरे को बहुत कुछ आता है, लेकिन ये आया था उस दिन लगा था कि मैं फ्रेशर। तो अब कैसा फील होता है? अब जाने तो बहुत काफी अच्छा फील हो रहा है ना। अब प्रैक्टिस करने के लिए भी अब वो मिलता है कि नहीं कि हाँ प्रैक्टिस करूंगा तो और देखा जाऊंगा? सर मैं अच्छे स्केल पे काम कर सकता हूँ। बिल्कुल जी सर। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि यहाँ कितने तारीख को आए थे आप? मैं सर 26 तारीख को आया था यहाँ। और आज कौन सी तारीख है? आज 24 तारीख है। तो ऑलमोस्ट एक महीना। जी सर। अगर यही चीज मैं 15 दिन में सिखा देता तो ऐसे जगह क्यों नहीं गए जहाँ 15 दिन में सिखाया जा रहा है, 10 दिन में सिखाया जा रहा है? रीजन बताओ ना। सर 15 दिन में बिल्कुल नहीं सीख पाएगा बंदा। यहाँ हम सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे जाते हैं, फिर भी जो डे का सिलेबस रहता है वो थोड़ा बहुत रह जाता है, तो हमको 1-1.5 घंटे और एक्स्ट्रा क्लास सिलेबस लेना पड़ता है। हर दिन सिलेबस लेना, हमको भी उसके बाद भी 2-3 रिवीजन भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर बिना रिवीजन के पढ़ाते जाएंगे तो दिमाग में आएगा क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं आ पाएगा। और जबकि फरवरी मंथ है इस बार तो आपका और दिन भी कटे थे। मैं सच बताऊं तो 28 तारीख से सीधा आप 1 तारीख पे जंप कर गए। जी सर। नहीं तो इस बार 28 तारीख के बाद में 28, 29, 30 उनको 3 दिन मिलेंगे, 4 दिन लॉकडाउन के कारण 1 दिन चले गया। मैं आपको सच बताऊं कि 28 फरवरी में हम लोग भी सोचे थे यार पता नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि कैसे दिन कम करेंगे तो क्या सिलेबस में कम करें, तो हमने यही कोशिश की कि सिलेबस बिल्कुल कम ना करें। नहीं सिलेबस बिल्कुल कम नहीं हुआ, बल्कि हमारी टाइमिंग बढ़ा दी गई। टीचरों का नॉलेज कैसा है यहाँ पर? टीचरों का तो नॉलेज बोलने इतना हाई लेवल का यहाँ नॉलेज है कि आप बयां भी नहीं कर सकते अपन। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ प्रैक्टिकल मोबाइल बनाए? आपने खूब सारे बनाए। अगर आपके वहाँ से कोई स्टूडेंट आना चाहे तो क्यों आए, सिर्फ एक रीजन बताओ। सर अगर डीपली नॉलेज लेना है, बेसिक नॉलेज लेना है तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें। अच्छा, और एक कंपेयर बताओ दूसरे से हम क्यों अलग है? दूसरे से अलग अपन यू है कि एक तो यहाँ का सिलेबस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। और एक टाइमिंग जो है 8 बजे से 8 बजे तक जो रेगुलर है। इसमें आपको कभी ऐसा हुआ कि 10 बजे आ गए किसी दिन, किसी दिन 4 बजे चले गए? नहीं सर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अभी कभी कभी तो हेडेक होता होगा कि अरे छोड़ दो सर। यहाँ से जाने के बाद जैसे हॉस्टल में जाते हैं तो वहाँ भी रिवीजन करना पड़ता है। वहाँ रिवीजन करना पड़ता है। डिसिप्लिन कैसा है? डिसिप्लिन के मामले में तो बेस्ट। बहुत। कौन पढ़ सकता है यहाँ पर? जो कड़ी मेहनत करने के लिए। थैंक यू। हाँ सर लाइव देख। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? शेख शाहनवाज। कहाँ से? वेस्ट बंगाल। इतनी दूर से एशिया टेलीकॉम क्यों ज्वाइन किया और कितने दिन से पढ़ रहे हो यहाँ पर और क्या आउटपुट है आपका बताइए? सर बहुत ही अच्छा आउटपुट है सर। एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने के बाद सर मेरे को बेस्ट चाहिए था और यूट्यूबर से पूछे थे, वो बोला बेस्ट यही है सर। अच्छा, तो यहाँ पर किसी से पूछ कर आए हो या यूट्यूब देख कर आए हो, क्या करके आए? यूट्यूबर है एक, उनको पूछ के थे, उनको बोला बेस्ट चाहिए, वो बोला यही दिया चला। अच्छा, उनसे आपने क्या पूछा कि बेस्ट चाहिए? मतलब इंडिया में बेस्ट बताओ, तो उन्होंने किसका नाम लिया? एशिया टेलीकॉम का। अब बताओ क्या वाकई में बेस्ट है कि नहीं है? नहीं तो लोग जो बोलते हैं वो निकलता नहीं है। यस सर। है कि नहीं है? यस सर। है। हाँ। आपके वहाँ से कोई स्टूडेंट आया हमारे पास, क्यों आया बताइए? सर बेस्ट है, बेस्ट अगर चाहिए तो उसको सुधारना पड़ेगा। अगर यही चीज में ओवरऑल देखो सभी अपने आपको बेस्ट बताते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कंपेरिजन करना चाहता हूँ, कंपेयर करना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि 15 दिन में ये सब कुछ सिखा सकता हूँ क्या मैं आपको? सिखा सकता है क्या कोई? नहीं सिखा सकता ना। तो आपको यहाँ पर पूरा 1 महीना देना पड़ेगा ना। और एंड्रॉइड और आईफोन एक साथ सिखा सकता है क्या कोई? नहीं सिखा सकता। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल करक लेंगे। क्या नाम है आपका? आलम शेख सर। आलम कहाँ से हैं आप? मुंबई से सर। मुंबई से यार इतनी दूर जबलपुर क्या सोच कर आए बताइए? बस एशिया टेलीकॉम का नाम सुना था सर, बोले बहुत अच्छा है, सुना था मौला जाके देख भी लेता और रियली जो चाह उससे ज्यादा मिला सर। अच्छा बेशक। तो बाकी में सेटिस्फाई है आप यहाँ पर? कितनी तारीख को आए थे? मैं सर आया था, मेरी बैच थी 27 से बैच अटेंड की है। एक आपने 27 को एक शाम का एक अपने काउंसलिंग क्लास लिया था, 28 से आपकी क्लास है, आप 24 है, 4 दिन हटाते पूरा महीना लगातार किया है कंटिन्यू। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 8 बजे से रात के 8। हेडेक हुई क्या कभी? नहीं सर कभी नहीं। क्यों? टाइम ही नहीं देखा अभी वो, क्योंकि सीखने का जज्बा है। कभी ऐसा? अच्छा कभी ऐसा लगा कि यार नकली बैठे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, जबरदस्ती बिठा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बताओ टीचरों का नॉलेज कैसा है? टीचरों का नॉलेज सर सबसे पहले तो आपका तो स्पेशल, आपसे आगे कोई नहीं फिलहाल अभी के टाइम पे। और फिर सर हार्डवेयर के लिए एकदम सबसे बेस्ट है, यहाँ तक के मिलन सर और भी बेस्ट है,
सब अपने 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 सर अपनी जगह पे बहुत बेस्ट है। अब दुर्गेश सर भी बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर के नॉलेज के लिए रखते हैं सर। और मोहम्मद सर ओवरऑल मोहम्मद सर वो एक पर्दे के पीछे हाइड रहते हैं लेकिन असली जलवा उनका ही रहता है सर। अच्छा तो मुझे बताओ कि आपने 15 दिन का क्लास क्यों नहीं किया है? जल्दी में सीख के जल्दी घर जा सकते थे, पैसा कमा सकते थे। एक्चुअली देखा जाएगा तो 1 महीना भी थोड़ा कम पड़ता है। बिल्कुल 1 महीना भी कम पड़ता है। अभी 1 महीने में भी इतना कुछ नॉलेज देने के बाद भी हमारी कैपेसिटी ना होने के बाद भी उससे ज्यादा मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और 15 दिन में क्या पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है जबकि 12 घंटे दिया। 12 घंटा सोचो क्या क्या दे इसके ऊपर, क्या दे, सोना बंद करवा दे क्या? 12 घंटा बहुत। चलो मुझे एक बताओ कि एशिया टेलीकॉम क्यों ज्वाइन करे कोई आपके वहाँ से? एशिया टेलीकॉम अगर आप किसी को अपग्रेड होना है वो बेशक आ सकता है। और जो भी नॉलेज उसको जहाँ पे वो फंस रहा है वहाँ उसको मालूम नहीं सर्किट के बारे में और यहाँ तक के बायोमेट्रिक्स के बारे में स्कीमेटिक के बारे में वो जरूर आके यहाँ पे नॉलेज ले सकता है। उसको हर चीज का नॉलेज मिलेगा। आपने यहाँ पे अपने सेट चालू किए क्या? बेशक बहुत सारे सर, बहुत सारे एमएमसी भी चेंज किए। नोट 6 प्रो अभी का भी रिसेंट सर मैंने अभी आपके सामने मैंने चेंज किया था। इसकी सैंडिक्स की मेमोरी कार्ड थी जो जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा तो फिलहाल अभी चेंज करके इसको प्रोग्रामिंग करके मैंने ऑन भी किया। ये भी सारी चीज यहीं पे पता चली ना? यस सर। एक आखिरी सवाल कि हम दूसरों से अलग क्यों हैं बताइए? हम दूसरों से अलग क्यों हैं? हम मतलब एशिया टेलीकॉम बाकी इंस्टीट्यूट से क्या अलग है, क्या अलग आपको देखने को मिला, क्यों अलग है? यहाँ पे सर जो चीज बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और जो जो उनका सिखाने का तरीका है वो कोई भी, और मैं तो गवाही दे सकता हूँ कि कोई दूसरा इंस्टीट्यूट सिखा ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम बिजनेस नहीं कर रहे कि 15 दिन में सिखाकर 15 दिन में दूसरा। नहीं सर, इतना टाइम बोला सर उससे ज्यादा उन्होंने सिखाया। उससे ज्यादा कभी लेट होता तो सर लोग यहाँ पे रुक के हमारा हाथ पकड़ के काम सिखाते थे और फिर उसके बाद ही जाने। आप ही बताओ एज अ बीन, अगर आप टीचर होते हैं जितनी चीज आपने सीखी क्या वो आप 15 में सिखा सकते हो क्या? नहीं सर, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। हमने 8 से 8 दी जी यार, प्रैक्टिकल थ्योरी। और आपको ये भी नहीं 2 घंटे का कभी यहाँ पर वो हुआ है क्या? नहीं नहीं कभी नहीं। बताओ आप लोग 2 घंटे का रिसर्च हुआ है क्या? नहीं हुआ। ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच। ठीक तो आपने भी अपना फोन चालू किया इनके लिए, जोरदार ताली बजाइए, क्लैप बजाइए। आपने खुद से किया है? जी सर। देखो आईसी निकाली लगाई आप, पहले ही काम करते थे क्या? सच बताओ। पहले मैं आईसी कोई काम नहीं, कोई काम नहीं करते थे नहीं। अब आप बताइए आप यहाँ से जाने के बाद में आप क्या करने वाले हैं, क्या आपकी सोच है? और मेन आईसी के आईसी बेस पे ही काम करूंगा। आईसी बेस पे ही काम करोगे? हाँ, पहले तो मैं सिर्फ टच डिस्प्ले लगाता था। हाँ, अब आईसी के काम करूंगा। आईसी का काम करोगे। एशिया टेलीकॉम क्या सोच के ज्वाइन किया था कि क्या सीखने को मिलेगा? मेरे को बेसिक नॉलेज दी एशिया टेलीकॉम ने और जो मिलना चाहिए था जो बाहर से नहीं मिलता वो यहाँ से मिला मेरे को। अच्छा तो ये आपको जो भी आपने सोचा वो मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला है सर। कहाँ से आप? मैं अमृतसर से। कितने तारीख को आए थे आप? मैं सर 26 तारीख को आया था यहाँ पे। 26 तारीख को आए थे, आज कितनी तारीख हो गई है? सर आज हो गई है कोई अपना 24 तारीख हो गई है। साइलेंट रहो जरा सब लोग, साइलेंट। आप मुझे बताओ 26 तारीख और 24 तारीख मतलब ये मान के चलो 2 दिन का गैप, 2 दिन को छोड़ के पूरा महीना ले लेते हैं तो सर, पूरा महीना भर आप यहाँ रहे जी सर। तो आपको एक भी दिन हमने हॉस्टल में बिठा के रखा है क्या? नहीं सर नहीं। कितने बजे से कितने बजे आते थे आप? सर सुबह 8 बजे से आते थे, शाम 8 बजे तक, कई बार 9 भी बज जाते थे शाम को। ऐसा तो नहीं है कि खाली अब बुला लेते हैं बिठा देते हैं और सिर्फ एक आईसी दे देते हैं और वो 4-4 घंटे सिर्फ अपना ही करते रहते हैं? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ भी कोई नहीं। कोई डेड बोर्ड में ही जूझ रहे हैं ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं सर। सर्किट डायग्राम कोई भी जो टीचर यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ाते हैं या जो टीचर आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं, जो विमसी पढ़ाते हैं, थ्रू आउट उनका नॉलेज कैसा है? उनका नॉलेज काफी है सर, उनका बहुत नॉलेज है। बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज इस है। मतलब अगर बात करें इंडिया के अंदर वो अपडेटेड है कि नहीं है? अपडेटेड है सर। आप बताओ पंजाब से कोई नया स्टूडेंट आए तो क्यों आए? जिसने भी डीपली सीखना है वो इंस्टीट्यूट अपना ज्वाइन कर सकता है, एशिया टेलीकॉम ही ज्वाइन करे। यहाँ डीपली समझाते हैं, जो चीज डिसिप्लिन भी है और डीपली भी समझाएंगे आपको। यहाँ पर ये बताइए कि अगर हम आपसे कोई होमवर्क करने के लिए कहते हैं या सुबह से रात तक आपसे काम करवा रहे हैं तो ये किसके फायदे की बात है? ये हमारे फायदे की बात है जी, है ना जी। यहाँ पे कौन सीख सकता है ये बता दो चलो। जिसने सीखने की चाहत है वही आके सीख सकता है, दूसरा नहीं सीख सकता। चलो आपसे एक लास्ट सवाल करेंगे बिल्कुल आखिरी, आप मुझे ये बताओ कि अगर आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में चले जाते जो आपको 15 दिन में यही पूरा कोर्स जो आपने सीखा यहाँ पे 15 दिन में सिखाता और 10 बजे बुलाता और 8 बजे छोड़ देता तो बताओ क्या सीख? नहीं सर, 15 दिन या 10 दिन में कोई नहीं सीख सकता सर।
सर। सीख सकते हैं क्या? नहीं, 5 दिन खाली आपने सॉफ्टवेयर पे दिए हैं यहाँ पर? जी सर। और वो भी आपने बिल्कुल डिटेलिंग बेसिक से सीखी है यहाँ पर? जी सर। आपने भी सॉफ्टवेयर में अपने मोबाइल बनाए थे ना? बिल्कुल बनाए थे सर। आपके हमारे अगर किसी को देखना है तो फेसबुक में लाइव उनके वीडियो डले हुए हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज राय। कहाँ से आए हो? धनपुरा, नेपाल। नेपाल? नेपाल। नेपाल से? नेपाल से इतनी दूर एशिया टेलीकॉम क्यों? किनकि यहाँ अत्यन्तै राम्रो पढाउने र प्र्याक्टिकल दुईटै हुन्छ, त्यसैले म यहाँनिर आएको। तो ये आपने नेपाली भाषा में कहा है? यस सर। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या सोच कर आए थे कि क्या मिलेगा, और वाकई में वो मिला है कि नहीं मिला ये बताओ। कितनी तारीख को आए थे? म 26 तारीख। 26 तारीख को। कितनी तारीख है आज? आज 24। 24 है, मतलब 2 दिन को छोड़ के पूरा महीना। यस सर। कितना टाइमिंग आपका रहता है यहाँ पर? यहाँ 8 बजे देखिए 8 से 8 तक पूरा। और यहाँ पे कभी ऐसा दिखाई दिया कि किसी भी सिलेबस को हमने स्किप कर दिया या कोई चीज ऐसी है जो छोड़ दी है? नो सर। डीपली लेवल पे आईसी पे सिखाया कि नहीं सिखाया? यस सर। यस। कोई नेपाल से ज्वाइन करे तो क्यों ज्वाइन करे बताइए? जस्ट लाइक इनलेस सॉल्यूशन के लिए। सो यही चीज 15 दिन के कोर्स में क्यों नहीं ज्वाइन किए? भाई तुम जल्दी सीखे, जल्दी काम कर लेते, अरबपति बन जाते। नहीं, 15 दिन में कोर्स ज्वाइन करके? संभव ही नहीं सर। संभव नहीं है, मतलब ये कोर्स 15 दिन का संभव नहीं है। इसमें एटलीस्ट आपको और जितना भी आप सीखे उस पर आप प्रैक्टिस करना है। लेस क्या करोगे, क्या आपकी है आगे जाके, क्या करने वाले हो अब यहाँ से? दुकान है आपकी? यस सर। तो वहाँ पे काम करने वाले हो? उसके बाद अपडेट के लिए क्या करोगे? अपडेट के लिए फिर आऊंगा सर। फिर आओगे? कोई पैसे लेंगे क्या आपसे? नहीं सर। एक बार पैसे लिए बस, फिर भविष्य में कोई पैसे नहीं लेना। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अकबर है। कहाँ से आप? ये महाराष्ट्र सांगली से। आप ये बताओ आपने इसे टेलीकॉम क्यों ज्वाइन किया? सर वैसे तो मैं भी 2-3 सालों से काम करता, 4-5 साल से काम करता हूँ मैं, लेकिन सर जो बहुत सारे दिक्कतें आ रही थी कि आईसी लेवल को काम नहीं कर पा रहे थे, जो भी हैंडसेट हम बना रहे थे वो अंधेरे में तीर मारने जैसा था। सही बात। कि कोई बना नहीं बना तो अब डिस्प्ले नहीं आ रहा तो कहाँ से नहीं आ रहा? हाँ, कौन से वोल्टेज नहीं आ रहे, ये कुछ भी इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं, कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन जब एशिया टेलीकॉम के बारे में सुना, वैसे तो हमने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैंने फ़ोन किया था। अच्छा। और उनसे बातचीत की, लेकिन वहाँ से सही से जवाब नहीं मिला। हम क्योंकि मैंने बहुत सारे उनको पूछा तो हाँ डायग्राम के बारे में पूछा और ट्रेसिंग के बारे में पूछा, वो बता भी नहीं सके। अच्छा। लेकिन जब एशिया टेलीकॉम जब बहुत बार फ़ोन करने के बाद में जब कॉन्टेक्ट हुआ तो थोड़ा दिल को तसल्ली तभी हुई जब कॉल रिसीव हुआ, और उसके बाद में जब आप भी आए हैं तो आप ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने सही ज्वाइन किया है। अब यही चीज बहुत पहले करते, 1 साल पहले 2 साल पहले तो क्या लेवल होता है बताइए? आज तो हम बहुत आगे निकल गए होते। क्या लेवल होता? आगे निकल गए होते। अच्छा। हम लोग साथ में ही, हम लोग आप लोग साथ में ही है? तो क्या बोलना चाहेंगे आपके यहाँ से अगर कोई और नया बच्चा आए तो क्या उसको राय देना चाहोगे बताइए? बिल्कुल आ सकते हैं सर, क्योंकि जो हमने आकर यहाँ जो फील किया है, हमने जो देखा है वो बिल्कुल हमको 100% मिला है, और यहाँ से जाकर जो है और मेहनत करेंगे तो और आगे हम और अपडेट के लिए वापस आएंगे कि नहीं? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। तो भविष्य में मोबाइल फोन अपडेट होता है ना, एंड्रॉइड का वर्जन आप बढ़ रहा है तो हम अपडेट क्यों नहीं होंगे? ये और आखिरी पूछना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए बताओ जो जल्दबाजी में सीखना चाहते हैं, 10 दिन में 15 दिन में? इम्पॉसिबल है सर। आपको 15 दिन में सब कुछ पढ़ा जा सकता है? नहीं सर, नहीं सर। आपको 8 घंटे से 8 घंटा पढ़ाया, 8 से 8 12 घंटे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ना हम पढ़ सकते हैं ना हमारा दिमाग ले सकता है। जी हाँ सर। उसके बाद भी थ्रू आउट एक दिन भी मिस नहीं? नहीं है सर। उसके बाद भी आप देखिए कि बहुत से कंटेन है ऐसा जो नहीं हुए, और हमने कितना देने की कोशिश की है। जी हाँ सर। समझ में आ रहा है? टाइमिंग के साथ में, टेम्परेचर के साथ में, बिल्कुल रोजाना का। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? सर इमरान। इमरान, इमरान कहाँ से हो आप? बैंगलोर से। बैंगलोर से? आप बैंगलोर से जबलपुर क्यों? मुंबई भी जा सकते थे, दिल्ली भी जा सकते थे, इतने सारे इंस्टीट्यूट में एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना? सर मैं ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट जाके आ रहा हूँ। हाँ। तो उधर पे सिर्फ टाइम पास होता है, 3 घंटे का क्लास होता है। 3 घंटे का खाली क्लास, प्रैक्टिकल कुछ नहीं रहता, सिर्फ दिखाते, और थ्योरी भी कुछ नहीं जानते, और डीपली में कुछ सिखाते नहीं है, तो कुछ पता ही नहीं होगा खुद को। खाली कॉम्पिटेंट का बेसिक नॉलेज पता रहता है क्या? जी। यहाँ पर कैसा फील हुआ, यहाँ का रिव्यू बताओ? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा सर, डीप नॉलेज मिली, कभी लाइफ में रजिस्टर भी नहीं काटा था, ऐसे काट रहा हूँ। साइलेंट, साइलेंट रहिए। तो बहुत अच्छा दिख रहा है काम करने में, और मजा भी आएगा अभी जाके काम करने में। आईसी का आपने पूरा काम किया यहाँ पर, अभी आप पेस्ट काम कर रहे हैं ना यहाँ पर आईसी का, अभी डर तो नहीं रहे हैं किसी चीज से? नहीं सर, डर तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर पहले जैसा तो फील नहीं हुआ कि वो इंस्टीट्यूट से आए इंस्टीट्यूट में, यहाँ पर सारी चीजें बताई गई कि टोटली सैटिस्फाइड हूं इधर के जो भी टीचर्स हैं, ओवरऑल आपसे तो बहुत ज्यादा है,
बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। आगे भी जुड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बेशक जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे अपडेट के लिए। अपडेट ये लाइन को कभी छोड़ना नहीं है और हमेशा इस लाइन के साथ जुड़े रहने के लिए एसआर टेलीकॉम का साथ देना जरूरी है। यस। तो नए स्टूडेंट को यहाँ है बेंगलोर से, तो क्या बोलोगे उनको? हाँ, जो भी बेंगलोर से आना चाहता है तो मैं उनको बेझिझक आ सकते हैं, सीखने की ख्वाहिश जिसे है, एक्चुअली ट्रू नॉलेज जिसे लेना है डीपली, तो वो बेशक आ सकते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट का एक लेकर बैठे हो, ठीक है, तो आप ये बताओ कि अगर यही चीज हम 10-12 दिन में पड़ोस देते आपको, तो क्या सीख पाते क्या? नहीं सर, 15 दिन में पड़ोस देते चलो। नहीं नहीं नहीं, आप सोचो, आप 27 तारीख से हो, आप 24 तारीख है, पूरा महीना एटलीस्ट आप यहाँ पर हो, डेली एक भी दिन छुट्टी पे नहीं दिया। नहीं, आपको 8 बजे से 7 बजे तक बुलाया कि नहीं है? 8 से 8 है सर। और आप लगातार क्लास की हो, हेडेक सा हो जाता था कभी कभी, है ना, क्लास करते करते? बताओ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। सर 8 से 8 तो बहुत अच्छी चलती है क्लास, और मन भी लगा रहता है, इधर उधर मन भटकता नहीं है, तो 8 से 8 अब जब अंदर रहते हैं काम करते हैं तो बहुत अच्छा सीखने को मिलता है आपको आगे। जो भी चीज थ्योरी दिखाते हैं वो प्रैक्टिकल करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, बेशक करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? जयचंद्रा। जयचंद्रा, क्या नाम, कहाँ से आप? इलाहाबाद। इलाहाबाद से इतनी दूर? आप मुंबई या दिल्ली या आप कहीं भी जा सकते थे, आपने ये क्यों चुना एसर टेलीकॉम? बताइए, यहाँ का फीडबैक बहुत अच्छा था। आज वो फीडबैक आप दे रहे हो, क्या ये फेक है क्या? जी, नहीं नहीं सही। नहीं है, क्या क्या सीखा यहाँ पे आपने? एमएमसी रिपेयरिंग प्रोग्राम है। आपने एमएमसी रिपेयरिंग का, एमएमसी के स्टूडेंट है ना आप यहाँ पर? सो बताइए, ओवरऑल यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट है, क्या कोई ऐसा दिखा कि कोई दुखी है या जो नहीं सीख पाया, जो नेगेटिव? सब लोग अच्छे हैं। सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। तो आप इलाहाबाद से कोई नया स्टूडेंट आए तो वो क्या सोच के आएगा बताओ? जी, जो भी वो मन में लेके आएगा उसको मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ पर। कोई ऐसा तो नहीं है कि सर मेरा सेट चालू हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीजें अभी जाके मार्केट में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तनवीर आलम है, मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आपने एशिया टेलीकॉम क्या सोच के ज्वाइन किया? सर मैं एशिया टेलीकॉम ये सोच कर ज्वाइन किया, मुझे कुछ भी काम नहीं आता था। सर मैं आईसी वगैरह कुछ नहीं निकाल पाता था, वो बहुत डर लगता था बोर्ड को छूने में। ये आप आईसी वाईसी का काम कर लेंगे? सर मैं कर लूं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये देख रहे होंगे कि उनको लग रहा होगा सर इन्होंने तो अपना बंदा बिठा दिया, क्या आप हमारे बंदे हैं क्या? नहीं सर। ये देखो, क्या ये हमारे बंदे हैं क्या? आप लोग तो स्टूडेंट है ना? ₹50,000 मोटी आपने यहाँ पर क्या दी है? पढ़ने आए, फीस दी आपने। तो आप वाकई में बताइए कि वो फीस जेन्युइन है कि नहीं? जेन्युइन है सर जी, बिल्कुल। यहाँ जो आना चाहता है वो भी आ सकता है, बहुत अच्छा है यहाँ, मतलब सिखाया जाता है और टीचरों का नॉलेज बहुत अच्छा है यहाँ, डीपली में एकदम बताते हैं। यही फीस अगर 15 दिन में आपको दे दे तो आप सीख जाएंगे? नहीं 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 सीख सकते हैं सर, हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगा समझने में, लेकिन बहुत अच्छा समझे। तो आपका इरादा जो यहाँ था, मतलब जो डिसीजन था यहाँ सेलेक्ट करने का टेलीकॉम को, वो सही था? एकदम सही था सर। कोई ऐसे टेलीकॉम क्यों ज्वाइन करे बताओ? सर वो अगर कुछ भी नहीं जानता है तो ज्वाइन कर सकता है सर, और यहाँ बहुत अच्छा नॉलेज दिया जाता है। और एशिया टेलीकॉम दूसरों से अलग क्यों है ये बताओ? दूसरों से अलग इसलिए सर यहाँ क्योंकि मेहनत बहुत हाई लेवल पे की जाती है, कंधे पे हाथ डाल के तो नहीं सिखाता? नहीं 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 सर, वैसा नहीं है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है सर। कहाँ से आप? महाराष्ट्र। आपने यहाँ क्यों ज्वाइन किया, क्या सोच के किया कि मैं एशिया टेलीकॉम जाऊँ? सर वैसे तो मैं बहुत सालों से काम कर रहा था, लेकिन हाँ। कंपोनेंट की नॉलेज और आईसी की नॉलेज कुछ भी नहीं थी, हाँ। बस ऐसे ही काम किए जा रहा था, हाँ। तो मैंने सर डीप नॉलेज के लिए एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया था, हाँ। और जो सोच के आया था वो सर सब कुछ मिला यहाँ पर? हाँ सर मिला तो है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। बिल्कुल, हाँ। आप मुझे बताओ कि कौन सी तारीख को आए थे यहाँ पर? हम लोग आए थे 26 तारीख को यहाँ पे। आज कौन सी तारीख है? 24। आज 24, दो दिन हटा दो, हाँ। तो यहाँ पर आप मान लो पूरा महीना भर हो? हाँ पूरा महीना। तो कभी भी ऐसा लगा कि यार समय बर्बाद हो रहा है या कुछ भी बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है? समय तो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल भी, एक मिनट भी ऐसे नहीं लगा कि अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर फ्रेशर और जो आप जैसे लोग हैं, जैसे आप बोले ना आपको बहुत ऑलरेडी काम था, मतलब बहुत आप काम करके आए थे, तो आपको क्या फील हुआ कि फ्रेशर और आप में क्या फील हुआ यहाँ पर? मेरे को तो लगा कि मैं भी फ्रेशर ही हुई है, फ्रेशर है आने के बाद। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हमको नॉलेज है, बट जो डीप लेवल का नॉलेज होता है वो अलग ही लेवल पे, अलग ही लेवल पे। ये चीज 15 दिन में मिल नामुमकिन है, सच बताओ? क्योंकि आपके वहाँ से बहुत से स्टूडेंट हैं जो जल्दी सीख कर जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, हाँ। ऐसा कुछ है क्या, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है सर। नहीं है ना? नहीं। क्या बोलना चाहोगे? जो भी डीप लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं वो इसे टेलीकॉम ज्वाइन करें। ये दिल से बोल रहे हो क्या? हाँ सर दिल से बोल रहा हूँ। आगे किसी को रिकमेंड करोगे कि नहीं करोगे? हाँ जरूर करूँगा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल राजा। थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल राजा।
कहाँ से हो आप? राजस्थान भिलवाड़ा। राजस्थान से? यार राजस्थान से भी तो जबलपुर दूर ही है, क्यों एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन किया? क्योंकि सर परफेक्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमसे काम सीखना था इसलिए। इसलिए यहाँ पे कैसा सिखाते हैं? अपने लैंग्वेज अपने बताओ, दिल से बताओ, खुल के। सर एक नंबर सिखाते हैं। एक नंबर सिखाते हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बाईपास कर रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। कितने कितने कौन सी तारीख को आए थे? 26-27 तारीख को आ गए। 26-27 तारीख को आज 24 तारीख है, मतलब लगभग एक महीना है। एक महीना 3-4 दिन छोड़ देते हो सर। तो आपको कभी यहाँ हमने हॉस्टल में बिठाया या आपको कभी ऐसा लगा 4 घंटे की क्लास हुई है बाकी तो वेस्ट ही चला गया? बिल्कुल नहीं सर, 8-8 क्लास, उसके बाद हॉस्टल में जाने के बाद भी हॉस्टल का वर्क रहता है वो करना पड़ता है। यहाँ पर जो फ्रेशर बच्चे हैं जो वीक है उन पर ध्यान देते हैं कि नहीं? हाथ पकड़ के ऐसे लगाना सिखाते हैं और हमारे यहाँ पे एक भाई है उनको सिखाया है ना हाथ पकड़ के, जो यहाँ डिमोटिवेट होने देते हैं कि नहीं? सर बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं। यही चीज अगर हम आपको 15 दिन में दे देते हैं, आपने क्यों नहीं सीखी? आप मुझे बताओ, आप भी तो जल्दीबाजी में सीख के जा सकते थे, किंग बन सकते थे। कोई नहीं सकता ना सर, कितना सारी चीजें हैं, सब्जेक्ट कितने सारे हैं। सर एक टॉपिक को 8 दिन ले तो भी सारे टॉपिक पूरे नहीं होते 10 दिन में। तो सोचो खाली ईएन सिंगल बताकर अगर कोर्स कंप्लीट कर दे तो कुछ हो जाता है क्या? ईएन बताएंगे तो इनपुट आउटपुट नहीं बता पाएंगे, इनपुट आउटपुट नहीं बता पाएंगे। कितने सारे जीआर है, कितने आईसीओ के, मतलब स्कीमेटिक आपको सिखाया कि नहीं सिखाया? सर एक नंबर आता है। एक नंबर। यहाँ फोन चालू किया आपने? बिल्कुल, अभी Y2 का एमएमसी भी चेंज किया था सर। आपने किया ना? बिल्कुल सर किया। कोई आपके आए राजस्थान से तो क्यों आए बताओ? सर यदि सीखना हो एमएमसी का या हार्डवेयर कंप्लीट सीखना हो तो यहीं पे आए सर। बाकी से अलग क्यों है सर टेलीकॉम? सर वाकियों पे वो ऊपर का नॉलेज दे देते हैं बस, वो रवाना कर देते हैं 10-15 दिन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और अपडेट के लिए क्या करोगे? अपडेट के लिए सर वापस यहीं पे आएंगे सर, 3 महीने बाद जब भी प्रॉब्लम होगी लेके वापस। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राज परमार है। राज परमार कहाँ से हो आप? सर मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से? यस सर। तो यार भोपाल इतनी सुंदर सिटी है, भोपाल की नदियाँ लेक इतनी फेमस है, तो आपने क्या सोच के एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन किया? इंडिया में इतने सारे इंस्टीट्यूट, आपने पूरे इंडिया में हमको क्यों सिलेक्ट किया? सर मैंने यहाँ का आउटपुट देखा था सर, यहाँ का आउटपुट भी बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा हाँ। तो कहाँ देखा आपने आउटपुट? YouTube में? YouTube में देखा, और सर मेरा एक दोस्त था उसने मुझे बताया था यहाँ का, मतलब आपको रेफर भी किया किसी ने कि भाई वहाँ जा, तो रेफर तो कोई, देखो YouTube में देख के तो कोई भी जा सकता है कहीं पे भी, पर जो रेफर होते हैं वो तो झूठ नहीं बोलते सर, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि कोई अपना कोई किसी का पैसा क्यों डुबाए। यस सर। मुझे बताओ कि अगर ये आप कितनी तारीख को आए थे यहाँ पर? सर मैं 27 को आया था। और आज क्या तारीख है? सर आज 24 तारीख। तो लगभग एक महीना। हाँ सर। तो मुझे बताइए अगर यही चीज आप 15 दिन में क्यों नहीं सीखे, आपको जल्दी सीख जाते हैं? सर 15 दिन में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता सर। अच्छा, तो आपने सिलेबस यहाँ पे कितना टाइम दिया आपने, टाइमिंग क्या था? सर 1 महीने। और हमने छुट्टी दी क्या उसमें? नहीं सर, एक बस छुट्टी दी हमने, वो भी हम वीडियो में बता रहे हैं, नहीं तो हम चाहते थे वो भी छुपा देते, ये भी हम वीडियो में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? प्रॉब्लम थी वो लॉकडाउन की वजह से छुट्टी थी, वो भी प्रॉब्लम थी लॉकडाउन की वजह से थी, है ना? वो छुट्टी भी नहीं थी, बिल्कुल सरकार का प्रोटोकॉल था जो फॉलो करना जरूरी था, है ना? वो क्या सर कि ऑल इंडिया में ही बनता एक दिन, पूरा ऑल इंडिया बनता, और जबलपुर में संडे को बंद किया, वो भी सर। आपको सिर्फ एक मिला संडे, एक दिन का सर, वो भी आपको पहले के संडे नहीं मिले? नहीं सर एक भी नहीं मिले। चलो मुझे बताओ कि कोई नया बच्चा आपके वहाँ से क्यों ज्वाइन करे? सर क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है यहाँ पर डीपली नॉलेज मिलता है सर, मुझे मैं आया था तब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था सर, सर्किट का बिल्कुल नॉलेज नहीं था डीपली सर, पर यहाँ आके सब कुछ मिल गया मुझे, सब कुछ मिला है यहाँ पर। एक और बताओ लास्ट की एशिया टेलीकॉम दूसरों से अलग क्यों है? क्योंकि सर यहाँ का टाइमिंग जो है ना सुबह 8 से लेकर शाम को 12 तक है, जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया में कोई भी नहीं दे सकता सर, क्योंकि मैंने 3-4 इंस्टीट्यूट में पूछा था वहाँ पर 6-7 घंटे बस, इससे ज्यादा कोई टाइम ही नहीं। और कोई इतने दिन के लिए पढ़ाता भी है? नहीं सर 10-12 दिन बस, क्योंकि सर 12 दिन में रीजन क्यों? क्योंकि उनको 1 महीने में 2 बैच करने होते हैं सर। मेन बात ये सर लाइफ टाइम सपोर्ट मिल रहे हैं, आप जब चाहे सर्किट में आपको अपडेट के लिए यहाँ आ सकते हैं सर, उसमें कोई फीस नहीं लगेगी। आप दोनों साथ में हैं क्या? नहीं सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मतलब आप लोग पहले ही दूसरे को जानते थे क्या? नहीं सर। तो आप लोग आपस में मतलब सहमति आपकी एक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने आपको पैसे दिए? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर। यार आप तो पैसे देकर बैठे हो सर, 50,000 आपने बड़ी एक फीस दी है, ये सोच के कि यार मैं एक ऐसी कोर्स कर लूं कि मैं भविष्य में मेरा भविष्य बन जाए, फ्यूचर बन जाए, फ्यूचर बन जाए मेरा, कहीं ऐसा ना हो 10 दिन बाद जाके पता चला यार ये तो हमसे बन ही नहीं रहा है। यस सर। चले और सर यहाँ लाइफ टाइम सपोर्ट भी है ना? लाइफ टाइम सपोर्ट है और उसका कोई चार्जेस है क्या? नहीं सर, कोई बाकी इंस्टीट्यूट सर लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं देता, एक ही बार बस फीस लेगा, वो दोबारा जाओगे फिर 40% 30% मांगेगा, पर यहाँ कोई नहीं लगता सर फीस। क्या नाम है आपका? सुधाकर। सुधाकर आप कहाँ से हैं? झारखंड से। झारखंड से। आपने एशिया टेलीकॉम क्या देख के सोचा कि मैं ज्वाइन करूँ एशिया टेलीकॉम जाऊँ? पूरे इंडिया में आपने हमें क्यों ज्वाइन किया? पूरे इंडिया में मैंने देखा था बहुत बढ़िया एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ हर तरह से बढ़िया से सिखाया जाता है, डिग्री लेवल से आई एम सी लेवल या
सिमेटिक के सब के बारे में डीपली नॉलेज दी जाती है, रिवॉल्विंग के बारे में बढ़िया से बताया गया है, इसलिए मैंने इसे चुना। अच्छा ये बताइए कि 10-15 दिन वाले भी तो इंस्टीट्यूट है, आप जल्दी में सीख कर जा सकते थे घर, या एक महीना पूरा करने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि एक महीना 10-15 दिन में पूरा सीखा नहीं जा सकता। ये आप समझ गए कि नहीं समझ? बिल्कुल। आपने यहाँ पे कितने घंटे की क्लास दी? यहाँ पर मैंने 12 घंटे क्लास। आपको कभी हॉस्टल में बैठने को तो नहीं दिया ना कि दिन में 7 बजे या दिन में 6 बजे? 8 बजे तक मैंने कंटिन्यू क्लास किया है। मुझे बताइए आप कौन सी तारीख को आए थे यहाँ पर? मैं यहाँ 27 तारीख को आया था। और आज कौन सी तारीख है? 24 तारीख। 24 और 27 में कितने दिन गए? 3 दिन ना? 3 दिन। 3 दिन छोड़ के पूरा महीना पढ़े हैं आप? यस। एवरी ईच एंड डे आए? हर दिन, कोई छुट्टी नहीं है। और आपको यहाँ पर क्या, आपके यहाँ से कोई स्टूडेंट आए तो आप उसको क्यों, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्यों आए? मैं सलाह देना चाहता हूँ, यहाँ जो सिखाया जाता है और कहीं नहीं सिखाया जाता है। अच्छा, ये फील होता है आपको? यस। चलिए वैसे मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पाया। क्या बात है। मुझे ये भी बताइए कि आगे आप हमसे जुड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल सर। इस फील्ड में अपडेट होना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल अपडेट होना जरूरी है। अपडेट होने के लिए मैं फिर से भी आ सकता हूँ। फिर से भी आओगे? बिल्कुल 100%। थैंक यू वेरी मच। एक स्टूडेंट और है, आपका नाम बताइए। संदीप पाल। कहाँ से? वेस्ट बंगाल बांकुड़ा से। इतनी दूर जबलपुर क्यों? तुम्हारे पास है तो दिल्ली मुंबई इतने पास है, तो तुम जबलपुर क्यों आए भाई? तो मैं 2 साल से देख रहा हूँ यूट्यूब से कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है। हाँ। मेरे को बेस्ट बनना है तो बेस्ट इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए मैं बेस्ट इंस्टीट्यूट से ज्वाइन किया था। हाँ। इसमें जो काम किया था 2 साल मैं यूट्यूब से फॉर वॉच कर रहा हूँ जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो एशिया इंस्टीट्यूट ही सबसे बेस्ट है मेरे के लिए, इसलिए मैं इसे ज्वाइन किया था। क्या लगा आपको बेस्ट यहाँ पर? यहाँ पर जो जो सीखा जाता है तो एक जीरो से हीरो बना जाता है, जो एक लो लेवल से हाई लेवल तक सीखा जाता है, तो एक आईसी का बॉल में का जी आ रहा है। कभी ऐसा लगा कि 5 मिनट भी आपका वेस्ट हो रहा है यहाँ पर, ये बताइए? नहीं नहीं। अब से लेकर अब तक? नहीं नहीं। थ्रू आउट आपने हार्डवेयर भी सीखा, सॉफ्टवेयर भी सीखा, अभी मिमसी सीखा, ब्लैक पेस्टर सब काम किया आपने यहाँ पर, कभी ऐसा लगा कि यार ये चीज तो मतलब जो सिखा रहे हैं वो पुराने लेवल की है, कुछ नहीं एडवांस नहीं है, ऐसा तो नहीं लगा आपको? नहीं नहीं नहीं। यही चीज 15 दिन में दे सकते थे क्या हम आपको? नहीं, नहीं 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 सर। दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं, 15 दिन में तो कभी। स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहोगे जो जल्दबाजी में सीखना चाहते हैं? आपके बहस आपसे बंगाल से है जो चाहते हैं कि मैं तो 10 दिन में कोई कोर्स कर लूँ और सीख जाऊँ, बताइए। नहीं नहीं, 10 दिन में तो कोई जरूरत नहीं है, कोई ये सीखना नहीं होगा इसमें, 10 दिन में कोई नहीं होगा इसमें। 10 दिन में नहीं? नहीं नहीं। आपने 24 तारीख, आप कब आए थे यहाँ पे, कौन सी तारीख को? 26 तारीख से आए थे। आए थे आज 24 तारीख है, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो रहा है आपको। 1 मंथ। और आप एक भी दिन यहाँ पर हॉस्टल में बैठे क्या आपने? नहीं नहीं सर, सिर्फ 1 दिन लॉकडाउन के कारण, संडे को यहाँ पर, संडे को सिर्फ लॉकडाउन के कारण आप बैठे यहाँ पर। हाँ। वो भी सिर्फ 1 संडे को जो अभी लगा हुआ है। हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बैठो बैठो बैठो। क्या नाम है आपका? सर जीवन गायकवाड़। कहाँ से हुआ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। अब ये बताओ कि जबलपुर में क्या सोच कर आए, एशिया टेलीकॉम में सीखेंगे? हाँ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ऐसा मेरे को लगा। हाँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखकर तो सबका मत GR, वो आपने बात बोली थी ना GR, वो हाँ, सबको नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, तो आप कर सब मतलब मोबाइल आपने क्लास में बैठे तो आप समझे कि GR वोल्टेज क्या होता है सबका। यूट्यूब से देखकर आप काम करते तो कितना काम कर लेते हैं, और अब आप बताओ इधर आने के बाद ऐसा लगा कि हम कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, जीरो थे खाली, ऐसा लग रहा था। अच्छा, ये भी एक साथ का फोन लगा रहे हम दोनों। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि अब आपके वहाँ से अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो क्या सोच कर रहा है, क्या आप उसको क्या बोलना चाहोगे? उसको तो बोलेंगे सर जी कि ऐसा यूट्यूब पे देख के तो कुछ नहीं होने वाला, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए सब GR वोल्टेज। आपने हार्डवेयर भी किया? हार्डवेयर भी किया। आपने सॉफ्टवेयर भी किया, फिर आपने MMC किया। कितने दिन से आप यहाँ, कौन सी तारीख को आए थे अब यहाँ पर? हम आए थे 26 को। 26 कौन सा महीना? पिछले महीने के 26 को। आज कौन सी तारीख हो रही है? आज 24 तारीख है। आज 24 तारीख है। 26 से 24 मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया लगातार काम किया है आपने? कभी ऐसा 8 से 10 कभी कभी। एक दिन भी तो आपको ऐसा नहीं है कि बैठा दिया गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, रोज काम किया है। तो मतलब इसे टेलीकॉम आकर और भविष्य में अपडेट के लिए जुड़ेंगे। तो मेरा स्टूडेंट, आपका नाम बताओ? मेहताबली। मेहताबली, आप कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अब ये बताओ इसे टेलीकॉम को क्यों ज्वाइन किया और आज लास्ट डे है, क्या रिव्यू है आपका बताइए? यहाँ बहुत अच्छा नॉलेज दिए हैं सर। हाँ, हर चीज के बारे में हमको डीपली। साइलेंट। हाँ बताइए। हर चीज के बारे में, एक एक चीज के बारे में डीपली नॉलेज दिए हैं सर, आईसी रिबॉलिंग से लेकर
सॉर्टिंग से लेकर हर चीज के बारे में सर। यहाँ पर आप पहले से आईसी का काम करते थे क्या? नहीं सर, एकदम फ्रेशर था। एकदम फ्रेशर थे। अब आप यहाँ पर आईसी का काम कर रहे हैं बिल्कुल। मतलब आपको पावर आईसी, ईएमसी, सीपीयू निकालने लगाने, रिवॉल्व करने दिया जाए तो ये तो नहीं है कि नया काम है आपके लिए? नहीं सर, ब्लैक पेस्टेड भी एकदम इजीली हो रहा है। हो रहा है यहाँ पर। कोई भी ऐसा टेलीकॉम नया क्यों ज्वाइन करे बताइए? अगर वो अच्छे से सीखना चाहता है सर, बहुत ही अच्छे से ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर आपको दिन भी ज्यादा मिले हैं काम करने के लिए और साथ में आपको घंटे भी ज्यादा मिले हैं। यस सर, पूरा 12 घंटे का क्लास होता है। 10-12 दिन का कोर्स करवा देता तो होता क्या? नहीं सर। सीख सकते थे क्या? नहीं सर। और इसके बाद बैकअप सपोर्ट भी आपको मिलेगा? यस सर। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? सर रामशरण कानपुर। कहाँ से? कानपुर। इतनी दूर कानपुर से जबलपुर? जबलपुर से पहले कभी आए थे? कभी सर? कभी नहीं। कभी सोचा एमपी में आएंगे काम सीखेंगे? नहीं सर। नहीं, क्या सोच कर आए? सर मैं जब दुकान पे काम करता था सर, सर आपके ही वीडियो देख करके कई फॉल्ट हमने बनाए। अच्छा। तो हमने सोचा सर कि हम जब वीडियो देख करके इतना हम काम सीख लिया है तो वहाँ जा करके हम ज़्यादा कर सकते। बिल्कुल। तो आपने ये सोचा कि वीडियो में जब इतना काम देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल काम दिखा रहे हैं, क्या हमारे में सिर्फ स्टूडेंट के रिव्यू दिखाते हैं कि प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं, सोल्यूशन दिखाते हैं ना? पूरा सोल्यूशन। तो अब बताइए यहाँ पर क्या सीखा आपने? कितनी तारीख को आए थे आप यहाँ पर? सर हम 26 तारीख। 26 तारीख को आए थे पिछले महीने की। और आज कौन सा दिन है? आज 24 तारीख है ना। लगभग आपको पूरा एक महीना हो गया है, 2 दिन कम कर दे। तो बताइए इस पूरे महीने में क्या सीखा आपने? सर हमने बेसिक से हाई लेवल तक पूरा जानकारी ली है। लिया आपने पूरा ईएमसी की? आपने ब्लैक पेस्टर में काम किया है यहाँ पर? सर काम एक बार किया है कि कितनी बार काम किया? सर कई बार काम। कई बार काम किया है? यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि एक बार पावर लगवा दी तो बस बंद करो फिर घर पे लगाओ, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, हमारे कई फोन यहाँ पे चालू हुए हैं, हमने मना कर दिया था कस्टमर को। जो कस्टमर को मना कर दिया था, आप कैसा लगता है यहाँ से आने के बाद में कैसा काम कर पाएंगे? सर हम काम पूरा कर पाएंगे। यहाँ कानपुर से आने वाले लड़कों के लिए क्या बोलेंगे कि क्यों आए वो? सर यहाँ से 2-3 पॉइंट सर। सर यहाँ पे जो टीचर हैं सब बहुत मेहनत करते हैं और सर यहाँ जो है 12 से 13 घंटा तक जो है पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल होता है, काम दिया जाता है हॉस्टल के लिए, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट आए। क्या ये 15 दिन में अगर हम पड़ोस देते तो ये कर लेते? सर ये संभव नहीं है। वो मुझे एक आप अपनी देखो आपका एक्सपीरियंस है, मैं आपसे आप उन लड़कों के बारे में बताओ कि जो जल्दबाजी में काम सीखना चाहते हैं ये 10-15 दिन में, बताओ। संभव नहीं है सर, इतना मटेरियल है कि हम लोग भी पूरा नहीं ले पाते हैं। समझ में आया? पूरा नहीं ले पाते हैं। अगर हम 70% तक ले लें तो ये बहुत है। तो भी बहुत है, बाकी 30% या उसके बाद का आपको अपडेट में आना है। एक बार में सब कुछ नहीं लिया जा सकता। इसमें खास बात इसमें ये भी है कि आपके द्वारा अपडेट दिया जाता है सर आगे भविष्य में। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आपका नाम क्या है? धीरज बंजारे। धीरज आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। तो आपने इस टेलीकॉम क्या सोच के ज्वाइन किया कि क्या सीखोगे बताओ? सर कुछ अच्छे ही सीखूंगा करके, है ना? क्या काम रुक रहा था आपका? मैं तो फ्रेशर हूँ सर। आप फ्रेशर थे? बिल्कुल। तो आप अब कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपने भी अपना 7A पे लाइव ईएमसी निकाल के उसको खुद चालू किया यहाँ पर? जी सर। तो ये सब आपने खुद किया, मतलब आपके पास अब कोई बोर्ड आया तो उसका बिल्कुल प्रोग्रामिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। एसर टेलीकॉम क्यों नया कोई क्यों ज्वाइन करे बताइए? जिसको अच्छा सीखना है वो ज्वाइन करेगा सर। जिसको अच्छा सीखना है, इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे इंडिया में। तुमने एसर टेलीकॉम को क्यों ज्वाइन किया, क्या देखा तुमने हमारे में? बेस्ट है सर। बेस्ट है इसलिए? तो वाकई में यहाँ बेस्ट लगा कि नहीं लगा? कोई ऐसा कम घंटे और कम दिनों की क्लास तो नहीं है? नहीं, 12 घंटे की। 12 घंटे की क्लास है यही? तो मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम बताइए। सर मोहम्मद शाहनवाज। मुझे बताओ आपने एशिया टेलीकॉम क्यों ज्वाइन किया? सर एशिया टेलीकॉम इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि काम वाम कहीं ना प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, क्योंकि इसलिए मुझे प्रॉपर नॉलेज की लिए आना था यहाँ पे। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ पर आप 28 तारीख से हैं? 27 से यहाँ पर? हाँ 27 तारीख से। ठीक है, लगभग एक महीना हो गया आपको। एक दिन की भी छुट्टी दी है कि आपको? नहीं सर, एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी है अपनी। कैसा पढ़ा है यहाँ पर आप बताइए? बहुत बेस्ट पढ़ा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर प्रैक्टिकल थ्योरी सब मिला है यहाँ पर प्रॉपर वे में? सर प्रैक्टिकल मिला है। कितने बजे से कितने बजे आते थे बताइए? सर 8 बजे से रात को 8 बजे तक का था यहाँ पर। और हॉस्टल में जाने का भी काम देते थे यहाँ पर? बिल्कुल सर। अगर कोई नया एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करे तो क्यों ज्वाइन करे बताइए? सर अगर काम सीखना है तो यहाँ ज्वाइन करें, नहीं तो इधर उधर तो सब यूट्यूब पर काम चला ही रहे हैं छोटा मोटा। अगर प्रोफेशनल बनना अपना आप काम करना है तो सर एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना जरूरी है यहाँ पर सिर्फ। अच्छा ये बताओ 10 दिन और 15 दिन के क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन की? जल्दी का काम क्यों नहीं सीखा आपने? सर जल्दी का इसलिए नहीं सीखा कि 3 से 4 दिन तो बंदों को ब्लैक पेस्टेड आईसी निकालने में ही लग जाता है। सोचो आपको ईएमसी में ही खाली कितने दिन मिल गए सर? आपने हार्डवेयर के दिन लिखे, सॉफ्टवेयर में आपने खाली 5 दिन लिए। यस सर। अगर यही सब कुछ आप 10 दिन में आपको घोल के दे दें तो आप सीख जाओगे क्या? नहीं सर। नहीं सर। सीख सकते हो क्या? नहीं सीख सकते। बिल्कुल। तो आप उनके लिए क्या कहोगे कि जल्दबाजी में सीख कर पैसा कमाने की जिनको धुन है उनके लिए क्या कहोगे?
सर वो जल्दबाजी में सिर्फ खिचड़ी बना सकते हैं और कुछ नहीं होगा उनका काम, क्योंकि इतना काम है कि कितने सारे सेक्शन है, बहुत सेक्शन है। नाम बताओ किस क्या सेक्शन पढ़ाया आपको? डिस्प्ले हुआ, लाइट हुआ, ऑडियो सेक्शन हुआ, रिंगर सेक्शन। अगर रिंगर पढ़ाया तो आईसी निकाल के लगवा के दिखाई ना आपने? पूरे अंदर से जीआर आपसे भी निकलवाई, ट्रेसिंग करवाई, सिस्टमैटिक पढ़वाते कि यहाँ पर? बिल्कुल सर, सारा सिस्टमैटिक के द्वारा ही काम होता है पूरा। बिल्कुल सर। और यहाँ पे बोर्डियो और अब यूएफआई की बात करेंगे तो प्रोग्रामिंग भी आपको बताई कि नहीं बताई? सर प्रोग्रामिंग भी बताई है सर, फुल एंडलेस सॉल्यूशन बताया कि एनसी कैसे प्रोग्राम की जाएगी, कैसे चेंज की जाएगी, सब बताया। चलिए ठीक है, थैंक यू। मतलब अपडेट होने के लिए फिर क्या करोगे यहाँ पर? सर अपडेट होने के लिए मैं आता रहूंगा। आते रहोगे? कोई पैसे लेंगे क्या आपसे? सर कोई चार्जेस नहीं, कोई चार्ज नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ये है। और अपडेट के लिए हम खुद बुला रहे हैं आपको? बिल्कुल सर, फोन आएगा खुद ही, खुद ही आएगा की। और आपको अपडेट के लिए और क्या बोला है कि छोटे छोटे वीडियो आपके डाल के देंगे आपको? छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे। अच्छा मुझे एक और चीज लास्ट बताओ, क्या आईफोन एंड्रॉइड एक साथ सीखा जा सकता है क्या? नहीं सर, एंड्रॉइड नहीं सीखा जा सकता, एक साथ सीखा नहीं सीखा जा सकता। आपने देखो, आपने एक महीने से एंड्रॉइड ही एंड्रॉइड कर रहे हो, अगर मैं आपको एक दिन आईफोन बताओ, एक दिन एंड्रॉइड बताओ और 10 दिन में आपको रवाना कर दूं तो क्या सीख लोगे बताइए? सर कुछ नहीं सीख पाएगा, क्योंकि आधा सेक्शन इधर हो जाएगा, आधा उधर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ भी आदमी के दिमाग में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और यही चाहेंगे कि आप आगे बहुत बेस्ट करें और अपडेट के लिए आए और अपने नाम, अपने जो आपका वहां पर है जो भी मार्केट है उस मार्केट में अच्छा नाम कमाए। ऑल द बेस्ट। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, आपका नाम बताइए। बीपी सिंह सर। आप बताओ, जब यहाँ आए थे तब उससे पहले क्या क्या जानते थे और अब क्या क्या जानते हो, मुझे पूरा बताइए। सर पहले तो कुछ नहीं जानते थे, खाली कनेक्टर लगाना ही हमें सीखा था। कुछ नहीं जानते थे सर, है ना? ऐसे थोड़ा बहुत खाली कनेक्टर ही लगाना, मार्केट में कनेक्टर लगाते थे, लेकिन जब से हमने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया है तब से यहाँ तो हमें बहुत नॉलेज दी गई है, और कुछ नाली जैसी रह गई जो दोबारा अपडेट होंगे तब वो हमको दी जाएगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप अब आईसी कोई भी अगर पावर आईसी या एमएमसी निकाल के लगा लेंगे यहाँ पर? कोई डरेंगे तो नहीं यहाँ पर? ब्लैक पेस्टेड बोर्ड की बात करें, यही चीज अगर मैं आपसे बोलूँ 10 दिन की अगर मैं क्लास कर देता और 10 दिन में आपको पढ़ा के भेज देता तो क्या सीखते आप? कुछ 10 दिन में सब कैसे हो पाएगा, ये तो जो है काफी टाइम का लेवल होता है। आज 1 महीना हो गया है लमसम में। आपने 1 महीना सीखा ना यहाँ पर पूरे? आपने सोचो हर दिन आते थे ना सुबह 8 से रात के 8, कोई भी ऐसा दिन गया कि आपको हमने 3 बजे भेज दिया हो या 3 बजे बुलाया हो? सिर्फ एक लॉकडाउन की वजह से एक दिन हमने संडे को छुट्टी दी थी आपके, है ना? लॉकडाउन था। तो आप ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम कोई नया स्टूडेंट क्यों ज्वाइन करे? सर एशिया टेलीकॉम बेस्ट जो है, इसका मतलब ये है कि अगर दूसरे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है वहाँ इसी तरीके से क्लास नहीं दी जाती है जिस तरीके से यहाँ क्लास दी जाती है। यहाँ पर डिसिप्लिन कैसा है बताइए? बहुत अच्छा है। डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए? अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या स्टूडेंट सीख पाएगा? नहीं क्या सीख पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट तो अपने हिसाब से सीखना चाहता है ना, और अगर वो अपने हिसाब से सीखना चाहता है तो वो तो टीचर बन गया है। बिल्कुल सर, टीचर को अपने हिसाब से अगर सिखाना है तो उसको अपना हिसाब ही लेना पड़ेगा ना। यहाँ पर कौन सीख सकता है ये भी बता दो, कौन नहीं सीख सकता? देखो सर, जो मेहनत करेगा वही यहाँ पर सीख सकता है ना। और सर लोग यही बोलते हैं कि मतलब हमको होमवर्क दिया जाता है, वहाँ जाकर होमवर्क अगर हम नहीं करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा? बिल्कुल, हमने क्या पढ़ा है उसमें? सिर्फ यहाँ पे थ्योरी थ्योरी तो नहीं लिखवा देते? नहीं सर, ऐसा प्रैक्टिकल कराते हैं यहाँ पर। जी सर, सीपीयू किया है आपने यहाँ पर? लाइव किया है यहाँ पर? सर लाइव किया है। तो कोई भी नया स्टूडेंट आए तो उसको एक लास्ट क्या बोलना चाहोगे, क्यों आए बताइए? सर वो तो अगर उससे प्रॉपर्ली नॉलेज चाहिए है तो वो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें। अभी नए अपडेट के लिए यहाँ आना है आप लोगों को, है ना? बहुत कुछ है जो अभी छूटा हुआ है, बहुत कुछ सर छूटा, बहुत, और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी बहुत कुछ दिमाग में नहीं आता। जी सर, जो आप अपडेट होने के लिए क्या करोगे, वापस आओगे? जी सर। ठीक है, चलो थैंक यू। और एशिया टेलीकॉम आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा और आप यही कोशिश करेगा कि आप अपने मार्केट के किंग बनो। ठीक है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विक्की पारदी नाम है। कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से है। बताओ अब तक का थ्रू आउट एक्सपीरियंस बताओ अपना 28 दिन का बताओ। मुझे तो कुछ नहीं आता था, फ्रेशर था मैं, लेकिन दूसरे दिन से ही एमएमसी निकालना, सीपीयू निकालना चालू हो गया हमारे। अच्छा, रिबॉल करके लगाना। डेली आपने आईसी रिबॉल किए यहाँ पर? डेली आपने आईसी पर प्रैक्टिकल एसएमडी का काम किया है? जी हाँ। और साथ में आप थ्योरी नॉलेज भी करते गए यहाँ पर? हाँ। तो थ्रू आउट क्या रहा कि अब यहाँ से जाने के बाद क्या काम कर पाएंगे बताइए? मैं यहाँ से जाने के बाद पूरा यहाँ पे जितना भी सीखा है डीपली सीखा है, हाँ, पूरा फोकस अपना दुकान पे लगाओगे वहाँ पर, पूरा रिवीजन करोगे और जितना भी प्रैक्टिस जरूरी है कि नहीं जरूरी है? प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर यही चीज 10 दिन के कोर्स में रहते तो क्या क्या सीख पाते, सच बताओ? 10-15 अगर मान लो यही सब मिला के 10 दिन में दे देते खाली तो क्या सीख पाते? तो उतना नहीं सीख पाते थे। नहीं सीख पाते ना, 10 दिन में क्या सीख पाते? आपने खाली सॉफ्टवेयर ही 5 दिन दिए, आपने हार्डवेयर सोचो 28 तारीख से 12 11 तारीख तक लगातार हार्डवेयर किया है आपने। जी। फिर आपने ईएमसी भी आपने कितने दिन किया है यहाँ पर? लगभग 8-9 दिन ईएमसी किया आपने यहाँ पे। आप 16 तारीख से ईएमसी कर रहे हो, आज 24 तारीख है,
यहाँ पर, तो कोई नया एसर टेलीकॉम क्यों ज्वाइन करें बताओ? जिसको डीपली सीखना है, डीपली नॉलेज लेना है, स्कीमेटिक वगैरह जितनी भी जानकारी लेना है, बारीक से बारीक चीज, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आए और यहाँ पे सीख सके। चलो ठीक है, थैंक यू। मेरे सारे के स्टूडेंट, आपका नाम बताइए। देवेंद्र कुमार शर्मा। बताइए थ्रू आउट कैसा रहा आपका सफर, बताइए। सर जी मेरा सफर बहुत अच्छा रहा, मैंने यहाँ पे आई सी लगाना सीखा और रिवॉल्विंग सीखी, बहुत अच्छे तरीके से रिवॉल्विंग और आई सी लगा लेता हूँ, और सर जैसे जैसे मेहनत करता जाऊंगा वैसे वैसे आगे सर्किट डायग्राम ये सारी चीज सीखी। हाँ सर। यहाँ कितने तारीख को आए थे आप? सर मैं यहाँ पे आया था 26 तारीख को आए थे। अब यहाँ पे कौन सी तारीख है आज? आज सर 24 तारीख। 24 से 3 दिन कम कर दो, पूरा महीना सीखे आप यहाँ पर। हाँ सर। क्या आपको हॉस्टल में कितने टाइम, आप मतलब क्या टाइमिंग थी आपकी क्लास की, क्या टाइमिंग रही? सर सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। कोई भी टाइमिंग में आपको ऐसा लगा कि खाली इंस्टीट्यूट में बिठा के रखा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हमको खाली बिठा रखा है, हमको टाइम टू टाइम सर संभालने आते थे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आईसी नहीं भी लगी तो हाथ से लगवाइए कि नहीं लगवाइए? लगवाइए बिल्कुल। फॉल्ट फाइंडिंग अगर डायग्राम भी पूरा ट्रेस करवाए कि नहीं करवाया? हां सर। कोई आपके वहां से अगर कोई बच्चा ज्वाइन करे तो क्या उसके ज्वाइन करे? सर जी वो आराम से जो डीपली नॉलेज सर्किट डायग्राम और आईसी लगाना सीखना चाहता है तो वो यहाँ पे आ सकता है, आना ही पड़ेगा यहाँ पे। ये मैं 15 दिन का डीपली में अगर 15 दिन में ये दे दूँ आपको और 10 बजे बुलाऊँ और 6 बजे भेज दूँ या 8 बजे भेज दूँ तो क्या सीख लोगे बताओ? नहीं सर ऐसा 15 दिन में तो कुछ नहीं सीख पाएगा, कुछ नहीं सीख पाओगे है ना। तो ये आप, ये आपका दिल से रिव्यू है, कोई फेक तो नहीं है? नहीं सर। चलिए ठीक है, एक बार सबका रिव्यू एक साथ बताओ भाई। और आप, आपका लास्ट दिन है, कैसा फील हो रहा है बताइए? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। कुछ लेके ही आ रहे सर यहाँ से, बहुत कुछ लेके आ रहे सर। खाली हाथ आए सर, खाली हाथ आए। सबसे आगे बढ़कर कौन? सबसे आगे बढ़कर कौन? एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। एमडी सर हाइट में थोड़ा रुक के बजाएंगे। इंडिया का नंबर वन सीट कौन है? थैंक यू वेरी मच।